आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला, जीवन तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला, मुक्ति तू देने वाला, शांति तू देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तू तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी।
शांति तू देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। प्रभु की जीवित सामर्थ्यवान उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के अपार सामर्थ्य को महसूस करें। वो अपने जोरों जलाल में इस वेदी के ऊपर ऊंचे सिंहासन में इस पावन रोटी के रूप में विद्यमान है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका घर उसकी मामूरी से भरे, आपके जीवन उसकी महिमा से भर जाए। प्रभु आप लोगों को स्पर्श करे, आपको चंगाई प्रदान करे। यह सुंदर समा प्रभु ने हमें दिया कि हम उसकी गवाही दे सकें, उसका शुक्रिया अदा कर सकें और प्रभु हमें हमारे जीवन में संरक्षण प्रदान करे। इसलिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आमेन। धन्यवाद यीशु। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला, ज्योति तो देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया। आराधना सूची तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो ये सूची तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो ये सूची तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो ये सूची तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु तेरी आराधना हो तेरी स्तुति हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा तेरी जय जयकार हो तेरी जय जयकार तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना हे प्रभु यीशु आपकी महिमा गाता हूँ आपकी महिमा गाता आपका जय जयकार करता हूँ आपका जय जयकार हालेलुया 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 स्तोत्रकार कहता है धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है हालेलुया हालेलुया उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा धर्मियों की संगति को आशीर्वाद प्राप्त होगा उसका घर भरा पूरा होगा उसकी न्याय प्रियता सभी बनी रहती है वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है वो दयालु है करुणामय है न्याय प्रिय है वो तरस खाकर उधार देता है और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त हम प्रभु की हजूरी का अनुभव करें। हम उसकी पाक पवित्र हजूरी में आए हैं आज का दिन पवित्र रखने के लिए। 10 नियमों में से एक नियम प्रभु ने इसराइलियों को दिया कि हुकुम पर्व का आदेश का पालन करो और प्रभु का दिन पवित्र रखो। आज का दिन प्रभु का दिन है और जो उसे इस दिन में आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रभु भी उन्हें सम्मान देता है और आदर करता है, क्योंकि वचन हमें बताता है, पवित्र वचन कहता है, जो मेरा सम्मान करते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। हालेलुया 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 प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता है मैं भी उनका आदर करता हूँ जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ आपके लिए वचन पढ़ूंगा। सामुएल का ग्रंथ, पहला ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 30 और उससे आगे। इसलिए प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है कि मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, किंतु अब प्रभु ये कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे भी तुच्छ समझे जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति समाप्त कर दूंगा और तुम्हारे घराने में कोई बूढ़ा नहीं रह जाएगा। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में उत्साह प्रदान कीजिए। हालेलुया हालेलुया प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या दो प्रभु के जैसा कोई पावन नहीं हे प्रभु तुझे छोड़कर कोई और नहीं हे हमारे ईश्वर तेरे जैसी कोई चट्टान नहीं है हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की महिमा हो यीशु को धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन आज ये बता रहा है कि जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूँ। एली जो प्रभु की सेवा किया करता था, याजक था, उसने अपने बेटों को देखा लेकिन उनको डांटा नहीं, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और हर अपवित्र काम कर रहे थे। तो प्रभु का वचन कहता है
सामुएल को प्रथम दर्शन देता है और वचन कहता अध्याय 3 सामुएल का पहला ग्रंथ पद संख्या 13 कि मैं उसे ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उसके दोष के कारण ही उसके घराने को अपवर्तनीय दंड देने जा रहा हूँ। क्या कहता है वचन? वचन ये कहता है कि एली को बता दो, सामुएल एली को बता दो कि मैं उसके घराने को अपवर्तनीय दंड देने जा रहा हूं, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते हुए देखा, लेकिन उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का भय नहीं खाया। आगे लिखा है क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुकर्म करते देखकर भी उन्हें नहीं रोका। इसलिए मैं शपथ खाकर एली के घराने से कहता हूं कि उसके घर के दोष का प्रायश्चित ना तो बलिदान के द्वारा संभव है और ना ही किसी चढ़ावे के द्वारा। प्रभु हमसे, माता पिता से ये बात करना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है कि अगर आप बेटे और बेटी को देखते हैं कि प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते तो आप उन्हें फटकार लगाएं और उन्हें, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन से आगाह कराएं ताकि आपके ऊपर प्रभु के प्रकोप का, आप उसके कोप का भाजन ना बने। अन्यथा प्रभु कहता है मैं घराने को दंड दूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इन्होंने मुझे तुच्छ जाना, अब देखो कि मैं भी इन्हें तुच्छ जानूंगा। आइए हम बंदगी करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए इसकी महिमा गाएंगे और इस वक्त हम आराधना और स्तुति में कुछ समय बिताने के बाद प्रभु का वचन सुनेंगे। बंदगी का समय, ताली बजाते हुए यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, उत्साह के साथ हम तेरी आराधना करते, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, आराधना करते, आराधना 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 बोलो, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, विश्वास के साथ आराधना आराधना आराधना, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, ताली बजाते हुए आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, हम तेरी आराधना करते,
महिमा से भर के दाता हम तेरी आराधना करते हम तेरी आराधना करते छुटकारा दाता छुटकारा दाता हम तेरी आराधना करते हम तेरी आराधना करते धन्यवाद यीशु प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते हम तेरी आराधना करते प्रेमी दाता हम तेरी आराधना करते आत्मा से भर के तेरी आराधना करते धन्यवाद प्रभु यीशु जीवन दाता हम तेरी आराधना करते तेरी आराधना करते जीवन दाता हम तेरी आराधना करते हम तेरी आराधना करते आत्मा दाता हम तेरी आराधना करते यस प्रभु हम तेरी आराधना करते पालनहारा पालनहारा दुख दिया आराधना 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 रोगों
अपने ऊपर लिया। बोलो आराधना आराधना आराधना, कैसे भूलूं यीशु कैसे भूलूं, आराधना आराधना आराधना, पापों से मुझको बचाया तूने, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्षमा करने वाले की आराधना 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 आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना, गाइए गाइए जोर से बोलिए आराधना आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, बोलो आराधना आराधना आराधना, आत्मा से भरने वाले आराधना 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 आराधना, जीवित प्रभु तेरी आराधना 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 आराधना, तीसरे दिन तू जी उठा आराधना आराधना आराधना, पिता के दाहिने तू बैठा है आराधना आराधना आराधना, प्रार्थना तू मेरे लिए करता है, बोलो आराधना आराधना आराधना, न्याय तू करने आएगा आराधना आराधना आराधना, मुझ पर दया क्षमा कर मेरे प्रभु, आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना करता हो आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया, स्वर्ग द्वार खोल दे यीशु के नाम से, रूह का मस्सा उतरे, हे प्रभु यीशु तेरी महिमा इस जगह पर छाने पाए, हालेलुया 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 हालेलुया, दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको प्यार करता है, आपने अपने पूरे मन से हृदय की सच्चाई से आत्मा से भर के उसकी स्तुति की है, उसके नाम का सिमरन किया है, जो नाम जपता है प्यारे भाई और बहनों प्रभु उसकी रूह में रहता है, उसके शरीर उसकी आत्मा उसके हृदय उसकी जुबान पर हमेशा परमेश्वर का मसा छाया रहता है। ये सुंदर समय है उसकी हजूरी में बैठकर इबादत करने का, इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु इस वक्त हमारे भाई हमारी बहन को आशीष प्रदान करे ताकि वो मसा प्रभु का ग्रहण करें और प्रभु आप लोगों को स्पर्श करें। हालेलुया 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 हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, प्रभु का तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, मैं उपयुक्त समय आने पर, मैं उपयुक्त समय आने पर, मैं उपयुक्त समय आने पर, मैं उपयुक्त समय आने पर तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन,
मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं उपयुक्त समय आने पर, मैं उपयुक्त समय आने पर तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। और कल्याण के दिन, और कल्याण के तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार, मेरे माता पिता पर, मेरे माता पिता, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, हम पर अधिकार लीजिए, हम पर अधिकार लीजिए। हम अपने गुनाहों के लिए, हम अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं, तौबा करते हैं, जाने अनजाने में, जाने अनजाने हमारे जीवन से, हमारे जीवन, हमारे परिवार से, हमारे परिवार जो गलतियाँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, उनके लिए, उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा, आपने कहा, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 33, पद संख्या 33, तुम सबसे पहले, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार कहता है, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, और मैं तुम्हें, और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का, सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा, अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का, समस्त पृथ्वी स्वामी बना दूंगा, स्वामी बना दूंगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरी जुबान को, मेरी आंखों को शुद्ध कर, मेरी आंखों को, मेरे होठों को शुद्ध कर, मेरे होठों को, मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरे कानों को, मेरे शरीर को शुद्ध कर, मेरे शरीर को शुद्ध कर, जिससे कि मैं, जिससे कि मैं तेरा नाम सिमर सकूं, तेरा नाम सिमर सकूं, तेरी बंदगी कर सकूं, तेरी बंदगी कर, आराधना कर सकूं, आराधना कर सकूं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार लीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष, चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं, आत्मा की हुजूरी में इस वक्त अपने आप को महसूस करें। वो प्रभु अपनी आत्मा को आप पर और मुझ पर भेजे, क्योंकि वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न उतर आए, तुम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु है, तुम में से कोई ये नहीं कह सकता कि ईसा जिंदा है, तुम में से कोई अंगीकार कर नहीं सकता कि यीशु जिंदे मुर्दों को जिलाता है, क्योंकि ये वरदान पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, रास्ते में, यात्रा में, अपने घर में, अगर ये आप आराधना में भाग लेते, प्रार्थना सुनते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना और आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। आत्मा अभी जा, आत्मा विश्वास के साथ। आत्मा अभी जा, आत्मा प्यासा हूँ मैं तेरे।
विश्वास के साथ लहू से मेरा अभिषेक थैंक यू जीसस अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर अग्नि से मुझको तू शुद्ध कर प्रभु की ओर लगाएं, शरीर में बैठ जाएं, आत्मा में प्रभु के साथ रहें, वचन सुनने के लिए अपने कानों को खोलें, उसका पवित्र आत्मा आप पर अधिकार लिए हुए है, उसका सानिध्य आपको घेरे हुए है। प्यारे भाई प्यारी बहन, यह सुंदर मौका है जब प्रभु हमसे बातें करता है और वो हमें अपनी शिक्षा प्रदान करता है वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा वो बोलता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, इसलिए प्रभु का वचन सुनने के लिए अपने कान, अपना हृदय, अपना मन खोलें, शुद्ध हो जाएं। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आज का दिन पवित्र दिन है। जो इस समय में से चोरी करता है वो प्रभु के समय से चोरी करता है, याद रखना। जो परमेश्वर के दिन से परमेश्वर का समय चुराता है वो परमेश्वर के घर से चोरी करता है। ये मेरा वचन नहीं, ये बाइबल हमें बताती ही है कि प्रभु का दिन पवित्र रखो। इसलिए परमेश्वर ने 6 दिन हमें काम करने के लिए दिए, 7वां दिन हमें बैठकर हजूरी में आकर प्रभु का नाम सिमरने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए ये दिन दिया। वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, अपने पुत्रों अपनी पुत्रियों को, अपने नाती पोतों को ये संहिता सिखाने का आदेश प्रभु ने दिया, और वो प्रभु के दिन में होना अनिवार्य है। इसलिए जितने भी लोग इस वचन को सुनते आज, वो सब के सब आनंदित होंगे, आशीष प्राप्त करेंगे। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आपको शब्द देगा, आपके जीवन की तमाम परेशानियों को, समस्याओं को प्रभु दूर करेगा, क्योंकि उसका वचन जीवन देता है। वो कहता है मेरा वचन यूं ही वापस नहीं लौटता है, जैसे आसमान से बारिश नीचे पृथ्वी पर गिरती है, धरती को गीला किए बिना नहीं लौटती, वैसे ही मेरा वचन है। मेरे वचन की एक मात्रा और एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। जो यहां से बोल दिया गया, प्रभु ने जो सुना दिया, वो आपके जीवन में पूरा होगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरा उद्धार हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरे परिवार का उद्धार हो जाए, मेरे परिवार का उद्धार, सभी बीमारों को चंगाई मिले, सभी बीमारों को चंगाई मिले। हे प्रभु यीशु, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 90, भजन संहिता 90 पद संख्या 12, प्रभु का वचन कहता है हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा। ये जीवन पानी के बुलबुले के जैसा है जो एक क्षण में समाप्त हो जाता है। कैसा है हमारा जीवन? पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला बच्चों को अक्सर आपने मेले में देखा होगा कि वो एक छोटी सी डिब्बी में सर्फ या कोई ऐसा लिक्विड घोलते हैं जिससे कि हवा में बलून की जैसी आकृतियां बनने लगती हैं, और वो बनती हैं और तुरंत समाप्त हो जाती हैं। हमारा जीवन बाइबल कहती है कैसा है? पानी के बुलबुले की तरह है। एक और उदाहरण देता है कि मेरा और आपका जीवन घास के फूल के जैसा है।
आपके घर में बहुत सारे फूल होंगे, सुबह को खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं और कुछ ही समय में उसके पत्ते झड़ जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये बुलबुले के समान है, ये घास के पौधे के समान है जिसमें फूल खिलता है, सूरज का ताप लगने से मुरझा जाता। अब ये सूरज का ताप क्या है? हमारे जीवन की परेशानियां, कष्ट, दुख, एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, ये सब ताप है प्यारे भाइयों और बहनों। जो हम अपने जीवन में कुकर्म करते हैं उनके द्वारा श्राप हमारे जीवन में लग जाते हैं और प्यारे भाइयों और बहनों वो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग इस जीवन का आनंद ले ही नहीं पाते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा, बहुत सारे लोग इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं लेकिन ले ही नहीं पा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कितने खुश हैं, आप मुझे बताएं कि आप कितने आनंदित हैं, आप मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो चिंताओं से परे हैं, जिनके जीवन में चिंता नहीं, कष्ट नहीं। कोई भी ऐसा, बहुत कम लोग इक्का दुक्का कोई मिल गया जिसने आध्यात्मिक जीवन में और प्रभु में विश्वास दृढ़ किया है तो वो कह सकता है कि मैं संपन्न हूं, मैं ईश्वर में आनंद मनाता हूं। आगे लिखता है, मनुष्य क्या करता है, रात में सोता है तो सोता ही रह जाता है। कुछ लोग रात में सोते हैं तो सुबह देखते ही नहीं, वो सोए के सोए रह जाते हैं। और कुछ लोग जो उठते हैं वो दिन में प्यारे भाइयों और बहनों अपना काम करते रहते हैं और अचानक जीवन में कभी ऐसा क्षण आता है, हृदय घात हो जाता है, नस बंद हो जाती है, हृदय बंद हो जाता, धड़कन बंद हो जाती, बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं, जीवन समाप्त, पानी का बुलबुला। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते थे, यीशु का नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का है। ये जीवन कागज की नैया है, पानी लगते ही गल जाता है। जब मैं छोटा बालक था तो जिस गांव में रहते थे, बच्चों के साथ रोज बरसात के समय गड्ढे में कागज की नाव बनाकर तैराया करते थे और कुछ ही समय में वो नाव क्या हो जाती थी, गल जाती थी। आपने देखा होगा कि आप लोग फूलों के माला बनाते हैं और लोगों के सत्कार में उसको पहनाते हैं, प्रभु के मंदिर उसकी सीढ़ियों पर वो फूल लाकर आप डालते हैं। एक फूल से भी हमें बहुत अच्छा उदाहरण सीखने को मिलता है कि फूल अपना संपूर्ण सर्वस्व क्या करता है, न्योछावर करता है, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा रहता है। हालांकि वो चढ़ाया तो भगवान को गया है लेकिन लोगों के पैरों के तले रौंदा जाता है। उसका समर्पण देखिए फूल का, वो परवाह नहीं करता है, वो परवाह नहीं करता है, वो प्रभु के सिर का ताज भी बनता है तो लोगों के पैरों के नीचे कुचला भी जाता है। ये फूल से उदाहरण लेना है मैंने और आपने। ये हमारा जीवन बहुत छोटा है तो उस छोटे से जीवन में भी फूल प्यारे भाइयों और बहनों ये नहीं कहता है कि मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मत डालो, मैं तो परमेश्वर के सिर पे ही सजूंगा, मुझे तो वहीं डालना। लेकिन वो आत्म त्याग करता है, त्याग करता है, परवाह नहीं करता। हम उसे मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक देते हैं और उसी फूल को हम उठाते हैं और परमेश्वर के चरणों में रखते हैं। कैसा जीवन है हमारा, हमें किस ओर प्रभु लेके जाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि घमंड मत कर, अहंकारी मत बन, विनम्र बन, क्योंकि तुझे पता नहीं तेरी सांसें कब चली जाएंगी। बाइबल हमें बताती है, एक व्यक्ति जिसने अपने खेतों में बहुत फसल बोई, वो उस साल में परमेश्वर ने उसको मसा किया, ब्लेस किया और उसके खलियानों में बहुत सारा अनाज हो गया। अब उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ एकत्र करेगा। उसने कहा, मैं पुराने वाले गोडाउन तोड़ दूंगा और नए वाले बखार बनाऊंगा, गोडाउन बनाऊंगा, उसमें जमा करूंगा। प्रभु का दूत उसको रात को दिखाई दिया स्वप्न में और उससे कहने लगा, आज रात को तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, अब बता जो तू एकत्र करके रखने वाला वो किसके लिए होगा, किसके लिए? अनाज तो तूने एकत्र कर लिया जिसे कीड़े खा सकते हैं, सेंध लग सकती, चोर चुरा सकता है, लेकिन जो असली खजाना था तू वो भूल गया। तू धन संपत्ति के पीछे दौड़ता रहा, तू ये नहीं समझा कि तेरा जीवन बड़ा छोटा है, तू ये नहीं समझा कि तेरे जीवन की यात्रा बड़ी छोटी है और अब देख कि तू बचेगा नहीं, ये धन किसका होगा। वैसा ही हमारा जीवन है। बाइबल हमें बताती है,
सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं मनुष्य योजनाएं बनाता लेकिन उसकी सफलता किस पे निर्भर करती, परमेश्वर पे निर्भर करती। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर घर ना बनाए तो कारीगर व्यर्थ परिश्रम करते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर परमेश्वर मसा ना करे मुझे यहां पर 2 घंटे खड़े होकर बोलने का, तो मुझ में ताकत नहीं है कि मैं यहां पर 2 घंटे खड़ा होकर बोल लूं। 2 घंटे तो क्या, 20 मिनट लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हाथ पैरों में बल देता है, जब तक वो ना करे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य अपने क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, अनेक प्रकार की बुराइयों के कारण ईश्वर की आशीष से क्या हो गया, वंचित हो गया है, परमेश्वर की महिमा से वंचित है, परमेश्वर का नूर उस पर खत्म हो गया। ऐसे तमाम उदाहरण हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग दाऊद, राजा दाऊद और शमशून, इन लोगों ने मसा खोया तो क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन पर अधिक भरोसा किया। ये लोग गलत कामों में फंस गए और परमेश्वर की हजूरी से वंचित हो गए। परमेश्वर का वचन रोमियों की पत्री अध्याय 3 में वचन पढ़ते हैं कि सबने पाप किया, अध्याय 3 पद संख्या 26, सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज का विषय ये है, प्रभु ये बताना चाहता है, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे पुत्र, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। प्रभु इसलिए आपसे बातें करना चाहता है और आपको जीवन की क्षण भंगुरता सिखाना चाहता है। क्षण भंगुरता मतलब शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। और शॉर्टनेस ऑफ लाइफ का उदाहरण बाइबल हमें क्या बताती है, स्त्रोतकार कहता है ये पानी का बुलबुला है, ये घास का फूल है, ये कागज की नैया है, ये फूलों की माला के जैसे है, जो तुरंत सूरज का ताप लगने से मुरझा जाता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10। मैं कोशिश करता हूं आपको बाइबल से ही शिक्षा देने की, क्योंकि मेरे वचनों में ताकत नहीं, जो परमेश्वर वचन देता है उन वचनों में ताकत है और वो वचन आपके जीवन में काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रभु अपने इस दास की वाणी को सच प्रमाणित करेगा और बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तित होगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ, मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे मेरे परिवार में, मेरे परिवार में उद्धार आ जाए, उद्धार, शांति आ जाए, शांति, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। आमेन, आमेन। सुनिए ध्यान से बाइबल क्या कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 10। याद करिएगा, इसको लिख के रखिएगा, आप अहंकार करना भूल जाएंगे, यू विल स्टॉप फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लिखा है, ओ मिट्टी और राख के पुतले, तू घमंड क्यों करता है, जीवित रहते भी तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं। बाइबल बता रही है, सुनिए ध्यान से, जो अहंकारी हैं, घमंड करते हैं अपने जीवन में, कभी ना कभी हमारे जीवन में हो ही जाता है, चाहे वो पैसे के जोर पर हो, अपने गुणों के जोर पर हो या किसी ऐसी चीज के बदौलत हमारे जीवन में थोड़ा सा घमंड आ ही जाता है, स्वार्थ आ ही जाता है। तो बाइबल हमें चेतावनी देना चाहती है, ओ मिट्टी के पुतले याद कर, तू घमंड क्यों करता है, क्योंकि जीते जागते तेरी अंतड़ियों में कीड़े हैं, जीते जागते तेरी अंतड़ियों में भी कीड़े हैं। अन्यथा ये कीड़े कहां से आते हैं मुझे बताइए आप, जब हमारा शरीर 6 फुट नीचे गड्ढे में जाता है तो वो सड़ने गलने लगता है, तो कीड़े कहीं बाहर से नहीं, अंदर से ही निकलते हैं और शरीर को पूरा खा लेते हैं। हमारे शरीर में कुछ अच्छे कीटाणु हैं तो कुछ बुरे कीटाणु हैं। अच्छे कीटाणु हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, इसके लिए हमें प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रोबायोटिक्स डॉक्टर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको प्रोबायोटिक्स देगा ताकि आपके शरीर में आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो जाए। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रोबायोटिक्स प्रभु का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, ताकि आप उसे चबा चबा कर खाएं और वो आपको डाइजेस्ट हो जाए, आत्मसात हो जाए, आप चरित्रार्थ करें, एग्जीक्यूट करें और आप वचन के अनुसार अपने कदम उठाकर चलें।
आपको ये भोजन पच जाए, क्योंकि ये भोजन बड़ा कठोर भोजन है। प्रभु का दास जो वचन सुनाता है, प्रभु ने जो वचन सुनाया, लोगों ने कहा ये वचन हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये तो बड़े कठोर वचन है, हम क्या करें, हम कैसे करें, ये हमारे बस में नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने विश्वास छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोग जो विश्वास से भर चुके थे, प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु के पीछे आ गए। तो ये शरीर जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं, इसे सुंदर रखने के लिए, इसे सुडौल रखने के लिए, इसकी देखभाल करते हैं, ये तो कीड़ों का भोजन है, ये तो कीड़ों का भोजन है, ये तो आग के हवाले कर दिया जाएगा, जो जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगी। ये तो शरीर जिसके लिए आप और मैं इतना प्रयास करते हैं, ये किसका भोजन है? कीड़ों का भोजन है, ये कीड़ों का भोजन है। इसलिए शायद कुछ कीड़े हमें देखकर खुश होते होंगे, वाह बेटा कोई बात नहीं, जरा बॉडी अच्छी बना के लाना, अच्छे मसल्स बना के लाना, जरा घोरा चिट्टा होके आना बढ़िया से, क्योंकि याद कर आना तो तुझे मेरे पास ही है। धरती भी देख कर लोगों को ये कहती होगी, हाँ हाँ करला कमांड जिन्ना करना कोई नहीं, अजय तुरिया फिरना इधर उधर, आना तो मेरे को ही आ, आना तो मेरे को ही आ, तेरा खड्डा तैयार करके मैं रखिया होया, चिंता ना कर दूं। ये बातें हमारे जीवन को, हमारे हृदय को क्या करती हैं? कुरेदती हैं। हो सकता इनसे हमें ठेस पहुंचे, लेकिन ठेस पहुंचने की बात नहीं, जीवन की क्षणभंगुरता को इस याद करने की बात है। प्रभु का वचन सुनकर प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसके वचनों का पालन करने की आवश्यकता है। तो आज प्रभु आपको सिखा रहा है, यह जीवन बहुत छोटा है, आपके जीवन की यात्रा हो सकता है 20 बरस की हो सकता है 30 की हो सकता है 40 की हो सकता है किसी की 70 की हो, या 80 की हो, या 90 की भी होगी। बाइबल के अनुसार अगर बीमार है तो 60 साल, अगर स्वस्थ हैं तो 80 साल, बाकी के ऊपर के जितने साल मिलते हैं वो बोनस के साल हैं। बाकी के 80 वर्ष के बाद का जीवन बाइबल हमें यह बताती है कि वो आपको बोनस का जीवन है। बोलो आमेन। और वो बोनस का जीवन लेना है तो जैसे मूसा बुढ़ा हो गया लेकिन उसके आंखों की रोशनी वचन कहता धुंधली नहीं हुई, उसे ये बोनस दिया गया था, परमेश्वर ने उसकी उसे पुरस्कार दिया उसकी धार्मिकता के कारण, उसकी ईमानदारी और वफादारी के कारण, क्योंकि वो रोज नित्य प्रतिदिन उसकी हुजूरी में जाता, उससे बातें करता था, फेस टू फेस उससे बातें किया करता था, और जब उसे देखता था तो पर्दा डाल लेता था। ये प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उसे बोनस में क्या दिया? जब हम नौकरी से रिटायर होते हैं तो ग्रेचुटी मिलती है, उसके बाद पेंशन मिलने लगती है, तो परमेश्वर ने उसे पुरस्कार देकर भेजा। वचन कहता है मूसा बुढ़ा हो चला था लेकिन उसके आंखों की रोशनी खत्म नहीं हुई थी, ये मसा था, प्रभु के ऊपर उसका नूर छाया हुआ था। लिखा है वचन में जब वो मूसा परमेश्वर से जब बातें करके पहाड़ से नीचे आता था तो उसका चेहरा लाल सुरख होता था, लोग उसको देखकर डरते थे कि मूसा को क्या हो गया है, ये कौन सी चीज, कौन सा नूर अपने चेहरे पर लगा के आया, और उससे डर के दूर भाग जाते थे। ये मेरे वचन नहीं, बाइबल के वचन, अगर आप खोल कर पढ़ेंगे वचन, निर्गमन ग्रंथ, विधि विवरण ग्रंथ, प्यारे भाइयों और बहनों, ये वाक्य हमें प्रभु बताता है और बाइबल हमें बताती। इसलिए जब आपका घर इबादत से भर जाता है, जब आपके घर में नाम सिमरा जाता है, जब आपके घर में उसके नाम का जप होता है, जब आप उसके वचन को पढ़ने लगते हैं, जब आप परमेश्वर से बातें करने लगते हैं, जब उसकी उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं, तो आपके चेहरे भी, उन पर भी नूर चमकेगा। ये झुर्रियों से भरे नहीं होंगे, ये चिंताओं की रेखा से भरे नहीं होंगे, वो आपके ऊपर अपनी रूह का मस्सा प्रदान करेगा। मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने देखा है, जितने भी लोग उपवास में, प्रार्थना में और प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं होती, वो नूर से भरे हुए होते हैं, उनके चेहरे चमकते हैं, उन्हें किसी रूस पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें किसी फेशियल की आवश्यकता नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, उन पर आत्मा का नूर
छाया होता है, जैसा कि मूसा पर छाया रहता है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उन्हें पता था कि परमेश्वर से उनका रिश्ता क्या है, उन्हें पता था कि परमेश्वर से किस तरह से उन्हें चार्ज होना है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप जीवन की क्षणभंगुरता को देखें, समझें, जीवन को आप समझें। इसलिए आज कई लोग अपने जीवन में घमंड के कारण हार चुके हैं, और बाइबल बार बार यही बताती है, बाइबल बार बार यही बताती है, उसने दीन हीन को कूड़े से उठाया और धनवान बनाया। हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम लाजरस था। वो धनी व्यक्ति के घर के गेट के ऊपर पड़ा रहता था। धनी व्यक्ति बैंगनी कपड़े पहनकर भोजन करता, दावतें उड़ाता, और ये लाचार गेट पर पड़ा रहता, उसे भोजन भी नहीं मिलता, उसके शरीर पर फोड़े थे, और वचन कहता उसके फोड़ों को कुत्ते आकर थे। वो दीन हीन था, वो दरिद्र हो गया था, और जब दोनों मर गए तो दरिद्र इब्राहिम की गोद में था और धनवान क्या कर रहा था, नरक की आग में झुलस रहा था। तो परमेश्वर क्या करता है, दीनहीन को कूड़े से ढेर से उठाता और वो दूतों संतों की संगति प्रदान करता है, लेकिन वो घमंडियों को क्या करता, नीचा दिखाता, उन्हें तितर बितर कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में घमंड का दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा कार्य करने न पाए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार। हालेलुया, हमारे जीवन में, मैंने कहा, कभी ना कभी घमंड आ सकता, हो सकता है किसी दंपत्ति को अपने बच्चों का घमंड हो जाए, वो दूसरों के बच्चों को तुच्छ समझें, विशेष तौर पर दूसरों की बेटियों को तुच्छ समझते हैं, अपनी बेटी को कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है संपत्ति का घमंड हो, धन दौलत ज्यादा हो गई या लॉटरी लग गई तो अब इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता है, वो छोटे व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकता है, उनके साथ चाय तक पीना पसंद नहीं करता है। हो सकता है दौलत का घमंड हो सकता है आपके पास एक अच्छी गाड़ी है तो उसका घमंड होगा, हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा पद मिल गया है तो उसके ऊपर आप घमंड करते हो। आज घरों में किसी ना किसी वजह से झगड़ा अगर है तो इन्हीं कारणों से है। भाइयों में जमीनी विवाद है, क्यों? अहंकार के कारण। मैं छोटा नहीं होना चाहता हूं, एक एक इंच के कारण सर कलम कर दिए जाते हैं। छोटी सी दीवार जो घर में है वो पूरे जीवन में कलेश का कारण बन जाती है। पिछले दिनों हमने अखबार में पढ़ा, रुद्रपुर शहर में एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, क्योंकि खेतों में मेड़ का विवाद था, बस बंदूक चला दी और मर गया। आज वो भाई जेल में है। हम लोग समझते नहीं कि शैतान हमें किस तरह से नष्ट करना चाहता है। भाई को भी मरवा दिया, खुद को भी जेल में डलवा दिया। जाओ भाई सड़ो, अंतिम दिन तक तुम चक्की पीसते रहोगे, दांत पीसते रहोगे, जब तक तुम कौड़ी कौड़ी हिसाब ना चुका दो। मत्ती का सुसमाचार कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, तुझे अपनी हर निकम्मी बात का और काम का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए अब तू बैठ और उसका हिसाब चुकता कर। एक और उदाहरण प्रभु हमें देता है कि एक व्यक्ति जो अपने नौकरों से लेखा लेना चाहता था, जब वो लेखा ले रहा था तो उसका एक कर्जदार जो बहुत बड़ा था, लाखों रुपए का कर्जदार निकला, उसने अनुनय विनय किया तो उसने क्षमा कर दिया। लेकिन ये आदमी बाहर गया, गेट से बाहर निकला, उसका एक सहयोगी जिसने इस व्यक्ति से केवल 100 दिनार का कर्ज लिया था, उसका गला पकड़ लिया, कहता है मेरा कर्ज चुका दो, और जब वो अनुनय विनय करता तो उसने नहीं दिया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो उसे उठवाकर बंदी गृह में डालता है। राजा को पता लगता है तो वो इस व्यक्ति पर क्रोध करता है और उसे कहता, जैसे तुझे क्षमा किया गया तूने तू भी क्षमा कर देता, जैसे तुझे माफी मिली थी वैसे तू भी माफ कर सकता था।
क्योंकि तूने ऐसा नहीं किया। नौकरों से कहता अब इसे उठाकर बंदी गृह में डाल दो, जब तक ये कौड़ी कौड़ी ना चुका दे तब तक इसे बाहर मत लाना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मुझे, मुझे शांति का संदेश, शांति का संदेश, चंगाई का संदेश, चंगाई का संदेश प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। आमेन आमेन। आज परिवारों में झगड़े हैं, जमीन को लेकर झगड़े हैं, जमीन मेरी है, जमीन तेरी है, ये मेरा है, वो मेरी है, इसको छूना मत, इसको हाथ मत लगाना, मेरे आंगन में से होकर निकलना मत, मेरी दीवार फांद कर मत आना, इस गेट से मत आना, देखो मेरे इधर से मत जाना, वहां से मत जाना, हर प्रकार की बातें, इनकी वजह से परिवारों में झगड़े हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4:7 में कहता, बाइबल हमें बताती है ऐसा क्यों, इंसान ऐसा क्यों करता है। इसका जवाब बाइबल हमें देती है कि आपके पास है क्या जो आपको दिया ना गया हो, आपके पास है क्या जो आपको दिया ना गया हो, तो फिर आप घमंड क्यों करते हैं। यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर गर्व क्यों करते हो, इस पर गर्व क्यों करते हो। आपको जो दान मिला है जीवन का, वो भी दान में दिया गया है आपको। हम पैदा हो गए हैं, ये किसी की हिम्मत नहीं थी हमें पैदा कर ले। अगर माँ बाप की हिम्मत होती हमें पैदा कर लेता तो स्त्रियां बांझ ना होती, दंपति निसंतान नहीं होते। आज इतनी रिक्वेस्ट आती है संतान के वरदान के लिए, अगर इनमें हिम्मत होती तो प्यारे भाइयों और बहनों ये लोग संतान पैदा कर सकते थे। लेकिन ये जीवन तो हमें दान में मिला है, ये परमेश्वर ने माता पिता को वरदान स्वरूप दिया है। तो वचन ये कहता है, बाइबल हमें बताती है कि जब सब कुछ आपको दान में मिला है, आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका जीवन, आपकी संतान, आपके खेत खलिहान, तो प्यारे भाई और बहनों गर्व क्यों करते हो, गर्व क्यों करते हो। तुम तो ऐसा गर्व करते हो मानो ये आपको ना दिया गया हो, आपने कमाया हो, आपने कमाया हो। और इंसान पूरे जीवन भर तेरा मेरा करते करते जिंदगी बिता देता है और ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चला जाता है। तो कई लोग धनी बनने के लिए मेहनत करते हैं और कई लोग परमेश्वर में धनी बनने के लिए प्रयासरत हैं। प्रभु दोनों को देखता है। तो सुंदर उदाहरण है प्यारे भाई और बहनों सुसमाचार में, जो धनी बनने के लिए मेहनत करता है परंतु आत्मा के लिए मेहनत नहीं करता, प्रभु उसे क्या करता है, क्या कहता है, मूर्ख कहता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया, वो धनी बनने के लिए करता रहा, मेहनत करता रहा, खूब मेहनत करी, लेकिन आत्मा में धनी नहीं था, परमेश्वर में धनी नहीं बनना चाहा उसने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य अपनी आत्मा के सिवा ईश्वर को दे ही क्या सकता है, उसके पास है क्या जो आप साथ में लेकर जाओगे, मुझे ये बताइए। हम तो नंगे माता के गर्भ से आए थे, नंगे ही वापस जाएंगे। मरते समय हमारे शरीर पर जो कफन पहनाया जाता, वस्त्र पहनाया जाता है, उसमें तो प्रथा के अनुसार जेब भी नहीं लगा सकते जिसमें आप कुछ डाल कर लेके चले जाएं। अगर कुछ जाएगा आपके साथ में, प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, प्रिय बच्चों, बुजुर्गों, तो वो है आपकी आत्मा, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। आत्मा परमेश्वर से आई और उसकी जगह वहीं पर, उसे वहीं पर जाना है। आज इस बात को समझ लें, ये परमेश्वर मुझसे और आपसे, पूरी दुनिया से जितने लोग ये वचन सुनते हैं, सुनेंगे, आपसे बातें करता है, आपको ना अपने पद का, ना अपने शरीर का, ना अपनी संतान का कोई घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसी भी तरह से धन एकत्र करता है, उसका लाभ उठाना चाहता है, वो उसे खो देगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15:10-12, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 15:10-12, मूर्ख है वो व्यक्ति जो इस जीवन को मेला समझता है। कुछ लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, कल तो मर जाना है, कोई बात नहीं, जीवन की गाड़ी रुकने वाली है, कहीं ना कहीं रुक जाएगी। बाइबल क्या बताती है, मूर्ख है वो व्यक्ति जो इस जीवन को मेला समझता है। याद रखिए भाई, वचन याद करना, बुक ऑफ विजडम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15:10-12, मूर्ख है वो व्यक्ति जो इस दुनिया को, इस जीवन को मेला समझता है। ये दुनिया प्यारे भाइयों और बहनों मेला नहीं है, मेले के जैसे आचरण नहीं करना। वहां पर हर प्रकार के लोग रहते हैं,
हर प्रकार के व्यक्ति वहां पर आते हैं, जुआ खेलने वाले भी रहते हैं, सर्कस वाले भी रहते हैं, जोकर भी रहते हैं, ईमानदार भी हैं वहां पर, घूमने फिरने वाले भी, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर प्रकार के। लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? याकूब अपने पत्र अध्याय 4 पद संख्या 5 में लिखता है, क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया है वह उसको अपने लिए चाहता है। बहुत बड़ी बात है इस वचन में कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमारे शरीर में डाला, जो रूह उसने प्राण वायु के रूप में आदम के नथुनों में फूंक दी और उसके अंदर चली गई, धर्मग्रंथ अकारण कहता है कि वो आत्मा ईश्वर आपसे वापस चाहता है, वो आत्मा ईश्वर आपसे वापस चाहता है। ये मेरे शब्द नहीं, बाइबल हमें बता रही है। याकूब का पत्र नई व्यवस्था में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 5 में कि परमेश्वर अपने लिए उस आत्मा को वापस चाहता है और किसी काम के लिए नहीं। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है, बाइबल हमें बता रही है अध्याय 6 पद संख्या 7, धर्मशास्त्र कहता है धोखे में ना रहें, ईश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखे में ना रहें, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। धोखे में ना रहें, ईश्वर को कोई ठग नहीं सकता। क्योंकि जो मनुष्य शरीर में बोता है वह विनाश की फसल को लूनता है, लेकिन जो आत्मा में बोता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो आत्मा की और अनंत जीवन की फसल लुनेगा। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात प्रभु आज हमें बता रहा है। आप में से जितने लोग प्रभु का ये वचन ग्रहण कर रहे हैं, इसको आत्मसात करें, चरित्रार्थ करें अपने जीवन में। क्योंकि जो शरीर में बोएगा वो क्या करेगा? शरीर की फसल लुनेगा और वो शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा में बोएगा वो अनंत जीवन की फसल लुनेगा, आत्मिक फसल लुनेगा। ये प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अनेक लोगों ने जीवन में बोया, संसार में बोया, इसलिए दुखी हैं, इसलिए चिंता में हैं। जो आत्मा में बो रहे हैं उन्हें चिंता नहीं है, वो कल की चिंता नहीं करते हैं, प्रभु उनकी चिंता करता है। क्योंकि उन्होंने आत्मा में बोया है इसलिए वो परेशान नहीं है, वो चिंतित नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन हमें कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 20, ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद किसको मिलता है? मसा किसको मिलता है? अभिषेक किसको मिलता है? बाइबल हमें बताते, ईमानदार व्यक्ति को, वफादार व्यक्ति को, प्रभु से जुड़े हुए सेवक और सेविका को, प्रभु के चुने हुए दास को जो उसके साथ ईमानदारी से जीवन बिताता है, लहू का मस्सा, अभिषेक, आत्मा की अगुवाई, उसकी मामूरी केवल उसी व्यक्ति को मिलती है। लेकिन जो जल्दी धनी बनना चाहता है वो क्या करता है? उसे दंड दिया जाता है। जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाता है। इसलिए कमीशन के चक्कर में ना रहे, खरीद फरोख्त के चक्कर में ना रहे। आप लोग किसी प्रकार का ऐसा लाभ ना उठाएं जो दूसरे के जीवन को दबाकर, दूसरे की जमीन या किसी चीज पर कब्जा करके आप उसे लूटें और दरिद्र का भोजन आप छीन कर आप खा लें। हो सकता है अगर आप कभी कमीशन लेते हो तो इस गरीब से, जिसने, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके घर में खाने को रोटी तक ना हो, सोने के लिए पलंग तक ना हो, पहनने के लिए कपड़ा तक ना हो, और उसे वो घूस देना पड़ता है, उसे वो कमीशन देना पड़ता है, वो दरिद्र का भोजन है, उसके दो जून की रोटी है। प्रभु इसलिए कहता है ऐसे व्यक्ति जो जल्दी धनी बनना चाहते हैं उन्हें दंड दिया जाएगा, वो दंड से वंचित नहीं हो सकते, उन्हें अवश्य दंड दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17, 16 से पढ़ेंगे। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे, उसने तुम लोगों का घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया था जिससे आगे चलकर तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग अपने मन में यह मत कहो
कि हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह संपत्ति एकत्र कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने अपने बाहुबल से नहीं, परंतु परमेश्वर का मस्सा ग्रहण करके तुम ऐसा करने में समर्थ हुए हो। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए प्रभु का शुक्रिया अदा करें। एक बहन हमारे बीच में है जो अमृतसर से इसलिए आई है कि वो आराधना के दौरान जो प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किए हैं वो अपनी गवाही देने के लिए अमृतसर से चलकर यहाँ पर आई है। ये आश्चर्य की बात थी, मुझे भी पता नहीं था। भाई सतविंदर जिनसे उन्होंने संपर्क किया वो उनके साथ आज प्रभु के इस मंदिर में पहुंची, प्रभु की हुजूरी में अमृतसर से चलकर यहाँ पर पहुंची ताकि वो आप लोगों के सामने अपनी गवाही दे सके और प्रभु की आशीष को ग्रहण कर पाए और आप लोगों के विश्वास बढ़ जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि बहन गवाही दे, हम एक गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, थके मांदे, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, तुम सब के सब मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, छू मुझे जैसा भी हूँ। हमने कल संध्या के समय भी इसे गाया था। प्रियजनों, इस गीत को हम गाएं और प्रभु से कहना, प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मेरे जीवन से हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की गंदगी, अशुद्धता दूर कर और मुझे आशीष प्रदान कर, मैं तेरे चरणों में आया हूँ। जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ तेरी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, मुझे जैसा भी हूँ अपनी मामूरी से, छू यीशु, छू छू यीशु, छू जैसा भी हूँ। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, हजूरी से प्रभु से कहें, प्रभु मुझे स्पर्श कर, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, चंगा कर दे अपने हाथ से यीशु, चंगा कर दे, चंगा कर दे अपने हाथ से यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे। हम बहन को आमंत्रित करते हैं कि वो आए, अपना नाम बताए, अपना पता बताए और वो हमारे बीच में अमृतसर से पहुंची है, अपनी गवाही वो हमें दे। इस वक्त हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, हम प्रभु की हजूरी में इस गवाही को स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की सबको। मेरा नाम करमबीर है,
मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर का एक छोटा सा गांव है पोमा उडाला, वहाँ से हूँ। और मैं यहाँ खुदा के इस पवित्र भवन में खुदा के और आप सबके समक्ष अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे खुदा ने मेरे जीवन में मेरे लिए कार्य किया। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे एलर्जिक अस्थमा का, मतलब दमा का, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रोग था। नॉर्मल जो उसका लेवल होता है वो 64 होता है, सिर्फ 64। और जब मेरा चेकअप हुआ, मेरी रिपोर्ट्स आई, तो 6 और 4 की जगह वहाँ 6000 था। और डॉक्टर्स इतने हैरान थे कि नॉर्मल लोगों को इतना अस्थमा यानी कि दमा की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और मार्च पिछले साल की बात है, मुझे अभी भी याद है वो 3 रातें। उन 3 रातों में मैं सो नहीं पाई, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरे अंदर सांस जा रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत, इतनी ज़्यादा परेशानी। लेकिन फिर भी उस वक्त मैंने अपना विश्वास नहीं कमज़ोर किया, मैं सिर्फ और सिर्फ एक वचन, एक वाक्य बोलती रही, माय क्राइस्ट इज़ विद मी, मेरा खुदा मेरे साथ है। और वो 3 रातें मैंने बहुत मुश्किल से निकाली, वो 3 दिन, और उसके बाद मैं चलने के लायक हो पाई। फिर मैंने खुदा से कहा, खुदा अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे क्षमा कर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहा है। और वचन सिखाता है, जो खुदा के लोग होते हैं उन्हें मुश्किलों से हमेशा ही गुजरना पड़ता है, लेकिन खुदा क्या देखता है कि हम उन मुश्किलों के बावजूद भी उसके साथ कितने वफादार हैं। और मुझे अभी तक याद है, पिछले साल मार्च और इस साल जनवरी में मैं ठीक हो पाई। 9 महीने तक मैं उस दिक्कत, उस परेशानी के साथ जूझती रही, लेकिन कभी मैंने खुदा से ये नहीं कहा कि तूने मुझे ये दिक्कत दी है, मैं तुझे नहीं मानू, मैंने कभी ये नहीं कहा। जनवरी में, मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैं ठीक हुई थी उस दिन मेरा जन्मदिन था, और मेरे पापा ने ये शुरू से, तो ये मेरे बहुत ही गहरे दिल की बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बोली, कि मैं खुदा को जब भी दुआ करती हूँ, मैंने कभी उसे खुदा नहीं कहा, मैं हमेशा उसे पापा कहती हूँ। और उस दिन संडे वाला दिन था, उस दिन मंडे था, सोमवार उससे पहले संडे था, और सतमिंदर भाई जिनके साथ मैं कॉन्टेक्ट में थी, मैं एक दिन पहले बहुत निराश थी, तो मैंने भाई को कॉल की। भाई उस वक्त चर्च में थे, और हमारे जो फादर हैं रेवरेंड फादर अशोक, वो रुद्रपुर में थे उस वक्त। तो ये हुआ कि उन्होंने उस वक्त मेरे लिए दुआ की, और अगले ही दिन मैं ठीक हो गई। और मैं आज भी ये मानती हूँ कि ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया है, और खुदा ने वो 9 महीने तक मेरा भरोसा जो था, मेरा भरोसा परखा और मुझे आशीष दी। उसके बाद RIE क्षेत्रीय संस्था है अजमेर में, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाके अपना BA/BEd का कोर्स करूँ। और इत्तेफाक देखिए, जिस दिन उस संस्था के फॉर्म भरने के लिए निकले, वो था गुड फ्राइडे का दिन, तो मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, मैंने बहुत उत्साह और विश्वास के साथ वो फॉर्म भरे कि आज गुड फ्राइडे है, मेरी सिलेक्शन ज़रूर होगी। लेकिन खुदा के जो लोग होते हैं, शैतान हमेशा उनके साथ कोई ना कोई गलत काम करता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। यही हुआ, मेरा नाम सिलेक्टेड लिस्ट में ना आकर वेट लिस्टिंग में आ गया, लेकिन शैतान ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस वो एक लिस्ट से नाम हटा के दूसरी में ही कर पाया। फिर मैंने सतविंदर भाई को कॉल किया, और फिर उन्होंने फादर अशोक से मेरे लिए दुआ करवाई। और थोड़े दिन के बाद जब वेट लिस्ट फाइनल हुई, तो मैं कहूँ चमत्कार तरीके से मेरा नाम उसमें था, कोई सीट नहीं थी, चमत्कार तरीके से खुदा ने मेरे लिए उसमें जगह बनाई। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी राइट किडनी में पथरी हो गई, और यकीन मानिए
दो दिन में वो पथरी ठीक हो गई सिर्फ और सिर्फ दुआ के कारण। आमीन। हालेलुया। और मैंने सोचा मैं एक सिख फैमिली से हूँ और मेरी पूरी फैमिली में मैं एक अकेली हूँ जो मसीह को मानती हूँ, फिर भी जो पंजाब का माहौल है जो मैंने देखा हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहली चीज़ जो वहाँ के माँ बाप करते हैं घर से निकालना, बेदखली। लेकिन खुदा का वचन कहता है अगर मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है तो तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई और राज नहीं करेगा। और यही मैं पंजाब में अपनी एक सिख फैमिली में एक अकेली मसीह को मानने वाली और मेरे घर के लोगों को, मेरे परिवार जनों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। शायद आप लोगों को जो सब शुरू से ही मसीह में हैं ये बात इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन एक सिख होने के नाते वो भी पंजाब जैसे राज्य में रहकर मसीह को मानना और खुदा ने उनके दिलों में काम किया कि इसे मानने दो, वो खुद नहीं मानते लेकिन वो मुझे कभी नहीं रोकते। अभी कल मैंने सोचा था और खुदा की दया से वो पूरा भी हुआ, मैं कल सुबह वैक्सीन लगा के निकली, कोविड की वैक्सीन इंजेक्शन लिया और ट्रेन में बैठ गई शाम को। रात तक इतना ज़्यादा फीवर, इतनी कमज़ोरी, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी कि मुझे नींद तक नहीं आ रही थी। लेकिन खुदा के ऊपर विश्वास, मैंने दुआ चालू रखी, सत्वेंद्र भाई को कॉल किया, उन्होंने दुआ की और सुबह तक ट्रेन से जब मैं उतरी तो कोई बुखार नहीं। और सुबह उतर के जल्दी जल्दी तैयार हो के मैं मिसा देखना चाहती थी, पता नहीं खुदा की क्या मर्जी थी, शायद वो अगली बार भी बुलाना चाहता है, शायद इसीलिए इस बार नहीं दिखाई। तो लेकिन यहाँ आ पाई और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ आके फादर जी के सामने जो उन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मेरा खुदा या मेरे पापा जिन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उनके पवित्र भवन में उनकी महिमा करते हुए उनकी गवाही दे सकूं, अपनी गवाही दे सकूं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जो खुदा के लोग होते हैं दिक्कतें और परेशानियां बहुत होती हैं, जो खुदा हमारे अंदर परखता है वो है कि हम धैर्य कितना रख सकते हैं। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स आशीष आशीष का प्रचार सभी करते हैं, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि चाहे मुश्किलें हों या जो भी हालात हों, खुदा ने कहा है मैं मौत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, इसका मतलब मौत तो आना तय है, ज़रूरी क्या है, उसका साथ। और उसी के साथ ने मुझे उन 3 दिनों जहाँ मुझे मेरी मौत दिखी भी नहीं, मुझे पूरा भरोसा था सांस आए ना आए मैं मरूंगी नहीं, 9 महीने तक मेरा विश्वास परखा गया। और वो खुदा की ही दया थी कि मैं उस विश्वास में खड़ी रही। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रूरी ये होता है कि हम खुदा के साथ हमेशा खड़े रहें, उसके साथ वफादार रहें, वो कोई चाहे कुछ भी ना हो, जैसे अभी फादर जी ने बताया लाजर था बाहर, कुछ नहीं जख्म थे, वो भी कह सकता था कि मेरे तो जख्म ही जख्म है, मैं उस खुदा को क्यों मानूं, मुझे क्या ज़रूरत है। जॉब अयूब जिसका भी ऐसे ही हालात हो गए, उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसने कभी खुदा को नहीं छोड़ा। तो ज़रूरी ये है कि हम उसकी आशीषों की तरफ ध्यान ना दें, वो हमें क्या बरकत दे सकता है क्या नहीं दे रहा है, हम उससे मांगे ना, हम उससे यही मांगे कि मेरे मुंह में तेरी महिमा गान रहे हमेशा और मुझे अपने स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर, क्योंकि मौत के बाद अनंत जीवन देने के लिए मसीह खुद खड़ा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु की। हम बहन के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने इस बहन को अमृतसर से यहाँ ले गया, ये मेरे लिए एक सरप्राइज था,
शायद हम सब के लिए सरप्राइज है कि बहन अमृतसर से केवल गवाही देने के लिए यहाँ पर पहुंची है। प्रभु आज बहुत खुश है क्योंकि जो अपनी गवाहियां उसके सामने देते हैं वो यही चाहता है कि तुम मेरी गवाही बनो, तुम्हारे जीवन तुम्हारी बोली आचरण को देख के लगे कि तुम मेरे अनुयायी हो। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए सुंदर समय है उसकी हजूरी में बैठकर उसकी बातों को सुनने का और उसका मसा ग्रहण करने का। मुझे बहन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों पहले उसके पिताजी गुजर गए और उसके कुछ दिनों पहले उनके दादाजी गुजर गए, तो अब घर में वो हैं और उनकी मम्मी हैं और उनके भाई हैं, तो सारा दारोमदार उनकी मम्मी के कंधों पर है और आर्थिक जिम्मेदारियां इस बहन के कंधों के ऊपर हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने पूछा, कब से आप प्रभु को जानती हैं? तो कहने लगी, जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं छोटी क्लास में, पाँचवीं क्लास में वहाँ पर टीचर तालीम के दौरान या नैतिक शिक्षा के दौरान या अन्य किसी बात पर यीशु की चर्चा किया करते थे, जीसस क्राइस्ट की चर्चा किया करते थे, तो उनके विषय में सुनना इन्हें बहुत पसंद था। बचपन से ही क्रिश्चियनिटी के प्रति इनको प्यार था और जो उनके कार्यकलाप थे उनके प्रति प्यार था, और वो प्यार प्रज्वलित हो गया, वो दिया बन गया, और ऐसा दिया बन गया कि आप लोगों को एक रास्ता दिखाने वाला चमकता हुआ जलता हुआ दिया बन गया। और प्रभु ने उसका इस्तेमाल संत एड्रियन चर्च की इस पुलपिट से किया कि वो आज हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उनकी गवाही को सुनें, प्रभु का शुक्रिया करें और उसको धन्य कहें और आशीष ग्रहण करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाएं और आशीष चंगाई को हम ग्रहण करें। से वो अग्नि में
तू अग्नि एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया उनको मार गिराया उनको मार गिराया जोर से उनको मार गिराया अग्नि भेज फिर से वो अग्नि भेज 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 फिर से वो अग्नि भेज फिर से वो अग्नि भेज अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया यहोवा नाम है मेरा उसको था बतलाया बाग यहोवा नाम था मेरा उसको था बतलाया 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 से वो अग्नि में फिर से वो अग्नि में हालेलुया फिर से वो अग्नि में फिर से वो अग्नि में रूहे पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज रूहे पाक की अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु सारा बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से तंत्र मंत्र जादू टोने आकाश की दुष्ट आत्माएं रसौलियों के बंधन नशे के बंधन ड्रग्स के बंधन निसंतानता के बंधन यीशु के पवित्र नाम से टूटे जलकर राख हो जाए बुखार की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र नाम से शरीरों आत्माओं हृदयों को छोड़कर यीशु के चरणों के नीचे जलकर राख हो जाए हालेलुया 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 छुटकारे की और चंगाई की प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं आपके लिए यीशु की पाक हजूरी में घुटने को टेक ले हाथों को ऊपर उठाएं यीशु मसीह आप लोगों को ब्लेस कर दे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर उसकी पाक हजूरी में उपस्थित सारे लोगों को हे प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हुए तेरे बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर जो पवित्र कुमारी से पैदा हुआ महादूत संत मिखाएल सब दूतों संतों की मध्यस्थता के द्वारा अंधकार की सब शक्तियों पर बीमारियों पर नकारात्मकता की दुष्ट आत्मा पर लड़ाई झगड़े अहंकार घमंड की दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेता हूँ शैतानी ताकतों पर अधिकार लेता हूँ आदेश देता हूँ कि वे निकल कर तेरे क्रूस के नीचे जल कर राख हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बीमारी की दुष्ट आत्मा अंधकार की दुष्ट आत्मा आप लोगों को छोड़े और यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए जादू टोने की तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा नशे की दुष्ट आत्मा ड्रग्स की दुष्ट आत्मा रसौलियों की कैंसर की टीबी के रोग की दुष्ट आत्मा शरीर के रोग साइटिका की बीमारी अस्थमा की बीमारी यीशु के पवित्र नाम से पवित्र वचन से
आदेश देता हूँ आपके शरीरों को छोड़े और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। सारी अंधकार की शक्तियाँ यीशु के सामर्थ्य की सामर्थी नाम से जाएं और क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। पति पत्नी के जीवन में यीशु इन्हें आशीष प्रदान कर, रूह के द्वारा इन्हें प्रभु यीशु आत्मिक शक्ति प्रदान कर। सारी दुष्ट शक्तियों को तेरे पवित्र रूह से उसकी आग से जलाता हूँ। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र लहू को आपके घर के चारों कोनों में छिड़कता हूँ। रक्षा स्तंभ आपके घर में, खेत खलिहानों में, दफ्तरों में लग जाए। जो लोग लकवे से बीमार हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है, कैंसर के रोगी हैं, रीढ़ की हड्डी के दर्द हैं, यीशु के पवित्र नाम से ये बीमारियां इन्हें छोड़े और जाएं। हर शैतानी आत्मा, शैतानी बंधन यीशु के नाम से छोड़े और निकले और जाए। नवयुवक युवतियां आजाद हों, शैतान के सारे बंधनों से, अश्लीलता की, रोगों से, बीमारियों से आजाद हों। यीशु का आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले, आप स्वतंत्र हो जाएं, आपको बेरोजगारी से आजाद करे, आर्थिक तंगियों से आजाद करे, श्रापों से आजाद करे, बंधनों से आजाद करे, परिवारों को आशीष दे, अंधकार से आजाद करे, ईर्ष्या से आजाद करे, अहंकार से आजाद करे, रूह का मसा आपको प्रदान करे, दुष्ट शक्तियां दूर, ताकि आत्मा, आकाश की दुष्ट आत्माएं, लोगों के जीवन में रुकावट डालने वाले काम और दुष्ट आत्माएं आपको, शरीरों को, आत्माओं, परिवारों को, कलीसियाओं को छोड़े और जाएं। बोलो आमेन, आमेन। Be healed in the name of Jesus. बोलो आमेन, आमेन। Be delivered in the name of Jesus. आमेन। यीशु के नाम पर आदेश देता हूँ, सारी अंधकार की शक्तियां शरीरों, परिवारों, समाज से, देश से और हमारे घरों से निकलकर क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। बोलो आमेन, आमेन। नशे की दुष्ट आत्मा, मन मुटाव, झगड़ों की दुष्ट आत्मा, रसौलियां यीशु के नाम से गायब हो जाएं। आमेन। यीशु मसीह के नाम से आप आजादी को महसूस करें। आमेन। यीशु के नाम से बीमारियां आपको छोड़े और जाएं। आमेन। यीशु के नाम से आत्मा आपको ब्लेस करे। आमेन। हर वो गंदी दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में काम करती, छोड़े और जाए। आमेन। हर वो चीज जो प्रभु की ओर से नहीं, छोड़े और जाए। आमेन। हर वो गंदे दोस्त जो आपके जीवन में काम करते हैं, आपको छोड़े और जाए। आमेन। आपके रिश्ते जो गंदे हैं, जो गंदी दुष्ट आत्माएं इनमें काम करती हैं, आपके जीवन से उन्हें अलग करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। राइट नाउ बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त मैं देख रहा हूँ आत्मा में प्रभु यीशु एक व्यक्ति को चंगाई प्रदान कर रहा, दुष्ट आत्मा के बंधनों से उसे आजाद कर रहा है। यीशु के नाम से आदेश देता हूँ, ये दुष्ट शक्ति आपको छोड़े और जाए। मिर्गी की बीमारी आपको छोड़े और जाए। कैंसर की बीमारी आपके शरीर से निकले और जाए। अस्थमा के रोग की बीमारी आपके शरीर को छोड़े और जाए। गर्भ के सूजन की बीमारी आपको छोड़े और जाए। फलोपियन ट्यूब में जो सूजन है, जो बंधन है, छोड़े और जाए। शुक्राणुओं की जो कमी है शरीर में, यीशु के पवित्र लहू से वो शुद्ध हो जाए। और उस भाई के जीवन में जो इस वक्त इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, यीशु उसे चंगाई और जीवन प्रदान करें। आमीन। एक भाई जो जीवन से निराश है, प्रभु आपको हिम्मत प्रदान करता, कहता बेटा निराश ना हो, निराश होने से तेरा नाश है। आत्मा में जीवन प्रदान करते हैं। बोलो आमीन, आमीन। हमारे परिवारों को, समाज को, पुरोहितों को, हमारी कलीसिया को, हमारे पूरे पल्ली के एक एक परिवार को, दंपति को, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों को प्रभु यीशु इस वक्त अपनी रूह का मसा प्रदान करते हैं। बोले आमेन, आमेन। एक भाई है जो यात्रा कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपके साथ है। चिंता ना करे, घबराए ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा, बस विश्वास कर। और प्रभु कहता है जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगीकार करेंगे, प्रभु की ओर देखें। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा।
मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा जैसे मैं आमीन मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा धन्यवाद यीशु, जैसे मैं मूसा के साथ था वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। कोई है जो शक कर रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, कोई है जो दुखी है तो सोचता है प्रभु मैं इतने प्रार्थना की इतने उपवास किए पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन यीशु कहता उपयुक्त समय आने पर मैं तेरा कल्याण करूंगा, तुझे प्रदान करूंगा, कल्याण के दिन मैं तेरा उद्धार करूंगा, जिस दिन तू इस लायक हो जाएगा उस दिन मैं तेरे सारे जीवन में चमत्कार करूंगा। आइए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रभु की आशीष इस वक्त मेरे और आपके परिवार में उतरे और हम उसकी आशीष और रूह में बने रहें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की महिमा हो सदा सर्वदा, पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। सभी मिलके गाएंगे पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है।
है जामा मेरे अगे अगे जगदा लख लख दूत मेरी राखी दियो तलदा जिथे भी मैं जामा मेरे अगे अगे जगदा लख लख दूत मेरी राखी दियो तलदा जिथे भी मैं जामा मेरे अगे अगे जगदा लख लख दूत मेरी राखी दियो तलदा जिथे भी मैं जामा मेरे अगे अगे जगदा लख लख दूत मेरी राखी दियो तलदा एड़े लब जाना करा शुक्री अदा एड़े लब जाना करा शुक्री अदा हर पासे ओदा ही जय यीशु की। दोस्तों, शांति का दाजा चैनल में पिछले 5 सालों में जो लाइव एडोरेशंस और आपके द्वारा जो निवेदन आए थे उन सभी को नोट करने के बाद हम हमारी पहली मध्यस्थ एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपने जितने भी हमें निवेदन भेजे हैं उन सभी के विषयों के ऊपर हम प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर सकें। यह प्रार्थनाएं बहुत ही आसान शब्दों में हैं, साथ ही विभिन्न प्रवचनों द्वारा प्रेरणा पाकर और जन ईश वचनों के द्वारा हमने आप लोगों के लिए आज तक प्रार्थनाएं की हैं उन सभी का लिखित रूप में विवरण है। इस पुस्तक में हम कलीसिया द्वारा परंपरागत सभी प्रार्थनाएं भी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक का मूल्य मात्र 30 रुपये है। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय यीशु।